IVTV देखता है इंडिया। हर व्यक्ति के जीवन में पिता की अहम भूमिका होती है। जीवन के उतार चढ़ाव में मार्गदर्शक की भूमिका पिता निभाते हैं। बच्चों के लिए बचपन में सारा संसार पिता होते हैं, जिनकी उंगली पकड़कर बच्चे चलना सीखते हैं। कभी फिल्मी पिता की तरह हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो कभी कभी सख्त पिता की तरह छोटे बड़े काम को मना भी कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं हैरी और आप सभी देख रहे हैं IVTV। बॉलीवुड में भी ऐसे कई पिताओं की छवि दर्शकों के मन में बसी हुई है और इनके कुछ डायलॉग्स आज भी हमें गुदगुदाते हैं तो कुछ इमोशनल कर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं फिल्मी पर्दे के ऐसे मशहूर डायलॉग्स जिन्होंने हर युवक के दिल पर दस्तक दी है। जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी। साल 1995 में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल के पिता बने अमरीश पुरी पर फिल्माया गया एक डायलॉग जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी उस समय लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। फिल्म के इस डायलॉग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, आज भी लोग एक दूसरे को बातों ही बातों में कई बार ये डायलॉग मार देते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सहनशाह। साल 1988 में आई फिल्म सहनशाह का एक डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सहनशाह, बहुत फेमस हुआ था। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये डायलॉग आज भी कई बार पापा अपने बच्चों से बात करते समय उन्हें बोलते हुए नजर आ ही जाते हैं। मैं मरूंगा तो बुलेट से मरूंगा, बीपी या शुगर से नहीं। अमिताभ बच्चन की फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप साल 2011 में आई थी। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर सोनू सूद और प्रकाश राज जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। ये डायलॉग अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो इतनी गोली मारते कि आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच कर रईस हो जाता। ये मशहूर डायलॉग मनोज वाजपेयी की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर वन का है। फिल्म में सरदार खान का किरदार निभाने वाले मनोज वाजपेयी ये डायलॉग उस समय बोलते हैं जब रामाधीर सिंह को धमकी दे रहे होते हैं। फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर वन साल 2012 में आई थी। एग्जाम बहुत होते हैं पर बाप मोस्टली एक ही होता है। फिल्म थ्री इडियट्स में शर्मन जोशी के पिता को बीमार दिखाया गया था। एग्जाम टाइम पर पिता की तबीयत खराब होने के बाद दोस्त जो उन्हें डायलॉग मारकर नसीहत देते हैं वो आज भी लोगों को याद है। आमिर खान शर्मन को बोलते हैं एग्जाम बहुत होते हैं पर बाप मोस्टली एक ही होता है। धर्मवीर मल्होत्रा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान के पिता बने अनुपम खेर बेटे के फेल हो जाने पर डांटने की जगह प्यार समझाते हैं कि फेल होने से क्या डरना, ये तो हमारे खानदान की परंपरा है। भाई पापा का इतना कूल अवतार देखकर किसे हंसी नहीं आ जाएगी। राज मल्होत्रा फिल्म बागवान 2003 में आई थी। अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया एक डायलॉग जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मारी छोरियां छोरों से कम है के दंगल फिल्म के इस दमदार डायलॉग में समाज के लिए एक संदेश भी छुपा हुआ है। आमिर खान को अपनी बेटियों पर बहुत भरोसा होता है और वे अक्सर अपनी बेटियों को ऐसे ही दमदार डायलॉग बोलकर मोटिव करते हैं। IVTV की तरफ से सभी पिताओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।